दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्वेश्चंस की। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लिमिट गिवन है, e की पावर -3t का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब e की पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर e की पावर -3t डिवाइडेड बाय -3 कर दोगे और यहाँ पर लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट तक लिमिट लगा दोगे। उसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है। तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, e की इनफाइनाइट t की जगह आप क्या रखोगे, इनफाइनाइट रख दोगे। और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो t की जगह आप क्या रखोगे, 0 रख दोगे। तो दोस्तों जब e की पावर -3 इंटू में इनफाइनाइट रखोगे तो मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, और माइनस का तो इसलिए 1 बाय ई की पावर इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है ई की वैल्यू मेरे पास 2.7 समथिंग होती है। तो दोस्तों ई की पावर 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट जो है वो मेरे पास इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 बाय इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 बाय इनफाइनाइट मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 0 लिख दिया और यहाँ पर -3 लिखा हुआ है। ई की पावर लोअर लिमिट की बात करूँ तो ई की पावर 0 1 होता है और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय -3 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास लिमिट गिवन है 0 से लेके 1 तक और ln x इंटू में dx का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास आइलेट के रूल से मेरे पास क्या होगा, ln x इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ln x इंटीग्रेशन dx इंटू में होल का इंटीग्रेशन मुझे करना है x के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर d/dx ऑफ ln x मेरे पास क्या होगा, 1/x हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx का मेरे पास क्या होगा, x हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर उसके बाद इन दोनों ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या इंटीग्रल dx बचेगा सिंपल, और इंटीग्रल dx मेरे पास क्या होगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रल dx मेरे पास x हो जाएगा, ln x वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर x इंटू में ln x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा। और लिमिट मुझे कहाँ से लगानी है, 0 से लेके 1 तक लिमिट लगानी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिमिट इसलिए पुट नहीं करी क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होता है कि लिमिट यहाँ पर इस पे लगानी है, इस पे नहीं लगानी। तो दोस्तों इसलिए पूरे पे लिमिट लगेगी, यानी कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मैं मेरा जो आंसर आएगा उसमें पूरे पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा। तो लिमिट मैं जब 1 अप्लाई 1 एक्स की जगह 1 रखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 1 इंटू में ln 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, माइनस एक्स की जगह मुझे क्या करना है, 0 पुट करना है। तो दोस्तों जब मैं 0 पुट करूँगा, यहाँ पर 0 पुट करूँगा, ये 0 हो जाएगा, ln 0 मेरे पास क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने लिमिट में ले लिया इसको, x जो है वो मैंने 0 टेंस टू 0 है और x इंटू में ln x माइनस एक्स का मुझे क्या करना है लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या होगा, मैं इसको अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ, लेट्स से अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, ln 0 हो जाएगा, यहाँ पर ln 0 माइनस इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। बल्कि मुझे इनफाइनाइट आंसर तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं या क्या करूँगा, मैं ln x और इसको मैं क्या करूँगा, 1/x लिख दूँगा। 1/x लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब मैं 0 रखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इनफाइनाइट और यहाँ पे 0 रखूँगा तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगी अगर मैं 0 पुट करूँगा अभी। तो यहाँ पर लॉपिटल डी एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करते हैं, जब 0/0 फॉर्म हो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो। तो यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है और माइनस एक्स वैसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ln x का क्या होगा, 1/x हो जाएगा और 1/x का मेरे पास क्या होगा, -1/x² हो जाएगा। इस x से जो है मेरे पास 1x कैंसिल हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -x आ जाएगा सिंपल।
माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, और जब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस वन यहाँ माइनस वन ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ये माइनस वन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन की। प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन में दोस्तों मैंने वही ऊपर जो क्वेश्चन मैंने अभी एग्जांपल आपको सॉल्व कराई ln x की, वही मैंने यहाँ पर लिया, क्योंकि ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ कि डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में। इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई है और यहाँ पर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो यहाँ पर मैं ln x 2 से लेके मुझे 9 तक इंटीग्रेशन करना है ln x into में dx। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ln x का इंटीग्रेशन अभी मैंने ऊपर किया है, ln x का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या है, x ln x माइनस x, इसका इंटीग्रेशन। अब वैसे लोगों को वैसे ही याद होता है, तो आप भी याद कर लो ताकि आपको भी आसानी हो, x ln x माइनस x इसका इंटीग्रेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वही x ln x माइनस x लिखा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। 2 से लेके 9 तक मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट रखोगे दोस्तों आप x की जगह अपर लिमिट रख दो तो आपके पास 9 इंटू में ln 9 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा माइनस 2, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 2 ln 2 माइनस 2 हो जाएगा। इसको फर्दर कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपके पास दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।